सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल DTH सॉल्यूशन पर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पास H500 का HTC का सेटअप बॉक्स है जिसमें नो सिग्नल का फॉल्ट है। तो सतीश कुमार जी ने हमारे पास सेटअप बॉक्स भेजा कि जिसमें नो सिग्नल का फॉल्ट है, इसे आप ओके करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि HTC के H500 के मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नो सिग्नल के भी थे, डेड के भी थे, जिसमें IC भी चेंज हुए थे। इस टाइप के कई वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड किए हैं। तो कभी भी ये दिमाग में या माइंड में ना लाएं कि भाई ये वाला वीडियो तो हमने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि हर वीडियो किसी न किसी फॉल्ट से रिलेटेड ही आप लोगों तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर कोई फॉल्ट आपके पास इस टाइप का नहीं है तो एन्जॉयमेंट के लिए ही वीडियो को देखें, पूरा एन्जॉय कर लें, फुल वीडियो वॉच कर लें, कुछ ना कुछ जानकारी उसमें आप लोगों के लिए मिलती ही है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस पैकिंग के अंदर सेट आया जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का, ये वाला सतीश कुमार जी के पास से, ये देखिए। तो इसमें सतीश कुमार जी ने हमें बताया कि जिसमें नो सिग्नल का फॉल्ट है उसी को ही चेक करेंगे। थोड़ा HTC के सेटअप बॉक्स के ऊपर कई वीडियो हमने बनाई हैं, तो नो सिग्नल का फॉल्ट किस वजह से आ रहा है इसको भी रिपेयर करके दिखाएंगे। पहले इसको TV पे चला के मैं आपको दिखा दूं कि इसमें किस तरह का फॉल्ट शो हो रहा है। ये देखिए, पैनल में डिस्प्ले भी आ चुकी है, पावर LED भी जल चुकी है, और TV की तरफ अगर देखते हैं तो TV पे HTC का लोगो भी आ गया है। और रिमोट से भी एंटीना सेटिंग में जाके अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ना के बराबर सिग्नल इसमें शो हो रहा है। एक बार इसे ऑटो ट्यून करके देखते हैं। क्या इसमें ट्यूनिंग आती है, क्या नहीं आती है, चैनल सर्च होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि सतीश कुमार जी ने हमें यही बताया कि जिसमें नो सिग्नल का फॉल्ट है आप अपने हिसाब से इसे ओके करें। इसे 100% तक होने देते हैं। ये देखिए, 50% करीब होने को आ गया है, लेकिन अभी तक कोई भी चैनल इसमें ट्यून नहीं हुआ है। ये 65% भी हो गया है, जबकि इतने परसेंट सर्चिंग होने पे चैनल ट्यून होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो इसे पावर सप्लाई ऑफ करके इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी वायरों को हटा के इसे ओपन कर लेंगे। पहले ही ओपन करके दिया है, इधर भी पेंच नहीं, इधर भी पेंच नहीं, सिर्फ एक ही पेंच लगा हुआ है, तो इसी को खोल लेते हैं।
हो सकता है इन भाई ने रिपेयर करने की कोशिश की हो और फॉल्ट ना मिला हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दूर दराज के इलाकों में पार्ट्स नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं रिपेयरिंग के दौरान। तो इसका पैनल भी खोल लेंगे। तो दोस्तों पैनल भी हमने इसमें से खोल लिया है और अब हमें जो वर्क करना है वो इस पे वर्क करना है। तो वायर पूरी तरह कनेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ ऑडियो वाली वायर निकाल देता हूँ, ऑडियो की हमें कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, और पावर कर देता हूँ ऑन। ये देखिए, और फॉल्ट के दौरान कहाँ कहाँ कितनी कितनी वोल्टेज है वो भी चेक हमें करनी पड़ेगी और आपको भी चेक करके दिखाऊंगा। तो इसको भी खोल लेते हैं, ज्यादातर फॉल्ट यहीं से मिलेगा। और मल्टीमीटर को 20 की रेंज में रख के लगा देता हूं। कोई नया वीवर या कोई नया मैकेनिक भाई अपना अगर वीडियो देख रहा है तो उसको वोल्टेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डीसी सॉकेट पे हमारा जो 12 वोल्ट मिलता है तो 12.96, तो ये थोड़ा बहुत इसको 12 वोल्ट ही बोला जाता है, लेकिन ये वोल्टेज अप डाउन थोड़ा सा होता है, तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लें। ये फर्स्ट कॉइल इसमें लगी है, इस पे 5 वोल्ट आपके बनते हैं, जिसके लिए ये रेगुलेटर आईसी लगा होता है जिसका नंबर होता है S47, 6 पिन का ये रेगुलेटर होता है। उसके बाद एक 11-17 यूज होता है जो कि अपना 3.3 वोल्ट बनाता है, तो ये 3.39। उसके बाद एक 11-17 यहाँ पे यूज होता है जो कि 1.8 वोल्ट बनाता है, तो 1.8 आ रही है। अगर इसकी मीटर की रेंज हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज शो हो जाएगी 1.9 और इधर 3.4, और एक रेगुलेटर इधर लगा हुआ है 1.2 वोल्ट के लिए, इस कॉइल पे 1.2 वोल्टेज आएगी, ये देखिए 1.2। उसके बाद अगर इप्रोम की बात करें तो इप्रोम का 8 नंबर पिन इधर है जिसपे 3.3 वोल्टेज हमारी डायरेक्ट पहुंचती है, और ये हमारा 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन पे अगर वोल्टेज आपकी नहीं आ रही हो तो आपका इप्रोम वर्क नहीं कर रहा होगा, और अगर आ रही है तो बिल्कुल ओके वर्क कर रहा होगा। जैसे इस सेटअप बॉक्स में सब कुछ ऑन है, सिर्फ सिग्नल का फॉल्ट है। अब इस तरफ ये बूस्ट आईसी में लगा होता है जो कि हमारी 12 वोल्ट को 18 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे हॉरिजॉन्टल के चैनल ऑटो ट्यून के दौरान सर्चिंग पे आते हैं। अब LMB वाले सॉकेट पे देखते हैं, 13.6 यहाँ वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। अब इसमें वोल्टेज का अगर फॉल्ट कहीं मिलेगा तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। और मीटर को थोड़ा और नजदीक कर लेता हूं। इसमें जो सिग्नल आईसी यूज होता है वो होता है 2018, ये हमारे बोर्ड पे भी लिखा होता है, देखिए AV2018। ये हमारा मेन आईसी का नंबर है Ali 3510C, और ये सिग्नल आईसी का नंबर है।
तो जो सबसे हमारा पहला पीएफ है, अक्सर हमारा यही होता है कि अगर ये सिग्नल आईसी आपका खराब है तो इसकी जगह पे आप 2028 भी लगा सकते हैं। तो 2028 में जिस तरीके से वोल्टेज हम चेक करते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले पीएफ पे चेक करेंगे जो 3.3 वोल्ट हमारी आती है, देखिए आ रही है। दूसरे वाले पे हमारी 2.5 के करीब वोल्टेज हमें मिलती है, यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल पा रही है। तीसरे पे हमारे पे 1.25 के करीब मिलती है, यानी 1 से लेके 1.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। उसके बाद जो 4 नंबर पीएफ है उस पे भी 3.4 वोल्टेज हमें मिलती है, 3.3 जो हमारी आती है। तो दोस्तों फर्स्ट पीएफ पे और 4 नंबर वाले पीएफ पे हमारी 3.3 वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रही है, ये देखिए। लेकिन जो 2.5 वाला और 1.25, जिसपे 2.5 वोल्टेज आती है और जिसपे 1.25 आती है, ये हमारा मिसिंग है। अब ये वोल्टेज हमारी कैसे आती है मैं वो उसके बारे में भी बता दूं। ये वोल्टेज हमारी जो है, ये दो नीचे रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, 2 सिग्नल के और 2 इधर की वोल्टेज के। तो ये दो रेजिस्टेंस लगी हैं, इन पे हमें 3 के करीब वोल्टेज मिलेगी, इस पे भी आ रही है और इस पे भी आ रही है, दोनों पे बराबर वोल्टेज एकदम ओके हैं। तो इस कंडीशन में आपको सिग्नल आईसी बदलना होगा। तो सिग्नल आईसी में आपको बदल के दिखाता हूं और 2028 कार्ड से निकाल के लगाऊंगा, जिससे आपको भी ये कंफर्म हो जाए कि हाँ 2028 का आईसी चल सकता है। तो दोस्तों ये कार्ड देखिए 2028 का है, इस कार्ड को आपने अच्छी तरह देखा है, 2028 का कार्ड है। इसी में से सिग्नल आईसी निकाल के मुझे इसमें लगाना है और उसके बाद फिर इधर की वोल्टेज भी चेक कराऊंगा। तो मीटर को कर देता हूं अभी साइड और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, दोनों कार्ड आपको दिखाई देने चाहिए। पहले इसमें से आईसी निकालेंगे और फिर ये वाला निकाल के इसमें लगाएंगे। यहां रख देता हूं इसको या यहां पे रख देता हूं, आपको दिखाई भी देना चाहिए। और अब इस 2028 वाली आईसी को हल्का सा पेस्ट में भिगोऊंगा और यहां लगा दूंगा। तो दोस्तों ये आईसी यहाँ लग गई और जो खराब निकली है वो ये रखी, देखिए मैं दिखा दूँ। तो इस कार्ड को कर देंगे अब साइड और पावर सप्लाई कर देंगे ऑन। तो ऑन तो लिखा आ गया है, और चैनल ट्यून करने से पहले वोल्टेज चेक करेंगे। यहां पे देखिए वोल्टेज अभी भी नहीं बनी है। और यहां पे वोल्टेज बिल्कुल सही बन रही है।
तो दोस्तों इसमें सिग्नल आईसी के साथ साथ पीएफ भी कई खराब हमें इसमें शो हो रहे हैं। आपको भी दिखा दूं, जो नीचे वाली दोनों रेजिस्टेंस हैं इन पे 3.3 वोल्टेज आती है, ये देखिए वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है। और जो ऊपर का पॉइंट है इन पे देखिए 1.04 और दूसरे पे 1.09, इनमें यहाँ फर्क है। ऊपर वाले में 1.09 और नीचे वाले में 1.04, तो 1.04 पे PFEA लगा हुआ है। पहले इसको चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या इसमें फर्क आया है। तो पावर सप्लाई कर देता हूं बंद। 2028 के कार्ड से कोई भी PF निकाल के लगा देंगे, सप्लाई पे लगे होते हैं इसमें से लगा देते हैं या सिग्नल आईसी की तरफ से लगा देते हैं। थोड़ा मीटर हटा देता हूं, और इसमें से कोई भी एक PF सिग्नल आईसी की तरफ का और अब कर देता हूं पावर ऑन। ये देखिए अब देखते हैं इधर कोई फर्क हुआ या नहीं हुआ। पहले वाले पे 3.3 या 3.4 जो भी आ रही है, दूसरे वाले पे ये देखिए 2.5 के करीब भी आ गई है, और जिस पे 1.25 के करीब आती है इस पे अब कुछ भी नहीं आ रहा है, और लास्ट वाले पे 3.3 आ रही है। इस तरफ की बात करें तो देखिए ये जहाँ पे वोल्टेज हमें 2.5 के करीब आनी चाहिए नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पे 2.68 आ गई है, और जहाँ 1.25 के करीब आती है 1.15 या 1.25 यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, 1 से भी कम है। तो इस PF को भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी ख़राब है हमारा, यानी कई कई आइटम इसमें ख़राब हुए हैं। इसकी भी वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, पहले चेंज कर देता हूं। इन छोटी छोटी जो पार्ट्स लगे होते हैं इनकी वजह से बहुत फॉल्ट आ जाता है कभी कभी। ये देखिए ये अपना वो 2.5 वाला और ये 1.25 वाला, जिसमें 1.25 से लेके 1.5 तक मैंने बताया था कि 1 से लेके 1.5-1.25 तक आराम से आ सकता है। इस पे भी वोल्टेज अब ओके हो गया। अब इसको एक बार ऑटो ट्यून करके देखते हैं। दोस्तों हो सकता है कामयाबी हमें मिल गई हो, पहले ऑटो ट्यून पूरा देख इसको होने देंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा। ये देखिए चैनल सभी ट्यून होने लग गए।
और ये देखिए कितने चैनल इसमें ट्यून हो गए और अभी हो ही रहे हैं, बल्कि अभी 72% हुआ है, तो इसे पूरा होने देंगे और फिर इसे चेक करेंगे। ये इसमें 337 चैनल ट्यून हुए हैं। और चैनल चला के भी मैं दिखा दूं, ये देखिए सिग्नल कितने फर्स्ट क्लास इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों कितना कितना इसमें काम करना पड़ा, सिग्नल आईसी बदला, ये देखिए खराब अभी भी यहीं रखा हुआ है, सिग्नल आईसी बदला, पीएफ चेंज किए, तब जाके ये सेट ओके हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कितना कितना सामान चेंज हुआ, सब कुछ आपके सामने ही मैंने चेंज किया और तब ये सेट ओके हुआ। तो दोस्तों ऐसा सेटअप बॉक्स या इस तरह का फॉल्ट आपके पास भी आ सकता है, तो बड़ी सावधानी से उस पर वर्क करें, बड़ी सूझबूझ से उस पर काम करें, आप कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। नमस्कार।